दोस्तों, मैं मुन्नी देवी बिहारी फूड रेसिपी चैनल में सभी का स्वागत है। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज दोस्तों क्रिसमस डे है और आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया बनाने जा रही हूँ, जिसमें मेरे बच्चे बोल रहे हैं सेवई पूरी और आलू दम, आलू सोयाबीन का सब्जी मटर डालकर बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मेरे बच्चे लोग को पसंद है। मैं चलती हूँ बनाने। सब्जी बनाने के लिए दोस्तों, देखिए, मैं सोयाबीन, सबसे पहले सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ और उसके आगे मैं दिखाती हूँ। और मेरा सोयाबीन में फ्राई कर ली हूँ और इसमें डाल देती हूँ फ़ोरन, 5 फ़ोरन है। और मैं आलू को और प्याज टमाटर सबको भून को भून लेती हूँ। और सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर देती हूँ दोस्तों। देखिए ये मेरा आलू है और आलू मेरा फ्राई हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें मैं डाल देती हूँ, ये है प्याज, प्याज का पेस्ट है जिसको मैं सिल्वर से पीस ली हूँ दोस्तों। इसको भी 5-10 मिनट आलू में भून लेती हूँ अच्छी तरह से, और साथ में टमाटर भी डालकर भून लेती हूँ। और अब मैं मेरा देखिए प्याज और टमाटर जो है अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें सोयाबीन डाल देती हूँ और इसको भी डालकर 2 मिनट चला लेती हूँ और फिर मसाले डाल देती हूँ। और अब मैं मसाले डाल देती हूँ दोस्तों। देखिए ये था लहसुन अदरक और काली मिर्च का पेस्ट, इसको डाल के मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ। और फिर ये मसाला डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। ऐसे भी अच्छी तरह से चला लेती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें मटर दोस्तों। देखिए मटर मैं पीछे डाल रही हूँ, तो मटर भूनने से कमठा सा हो जाता है, इसीलिए मैं पीछे लास्ट में डाल रही हूँ। उसको भी साथ में 2 मिनट तक इसको भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ दोस्तों। देखिए नमक डालकर चला लेती हूँ अच्छी तरह से। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी दोस्तों। देखिए मेरा सब्जी अच्छी तरह से भून गया है और इसमें मैं पानी डालकर ढक्कन लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों सब्जी मेरा बनकर रेडी है, आलू सोयाबीन और मटर का, देख सकते हैं आप लोग। और अब इसमें मैं थोड़ा हल्का ऊपर से धनिया पत्ते डाल देती हूँ और सब्जी चूल्हे पर से उतार देती हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं सेवई बनाने जा रही हूँ। सेवई बनाने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ चूल्हे पर और कढ़ाई में डाल दी हूँ घी 1 चम्मच और डाल देती हूँ सेवई, और सेवई को डालकर भून लेती हूँ। गोल्डन में भेज के मंगा ले। सेवई को मैं भून ली हूँ दोस्तों। देखिए और चूल्हे पर दूध को चढ़ा ली हूँ सेवई बनाने के लिए, और दूध मेरा उबलेगा तो मैं डालूँगी सेवई। देखिए दोस्तों दूध मेरा उबल रहा है, गरम हो गया है और इसमें मैं डाल देती हूँ सेवई है। सेवई को डालकर देखिए दोस्तों मेरा सेवई खोल रहा है और इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। ये मेरा 1/2 kg चीनी है और 2 पैकेट सेवई था। चीनी को डाल के चला लेती हूँ अच्छे से। और अब मैं डाल देती हूँ इलायची, इलायची पाउडर है, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ। यह है मेरा गड़ी छुहाड़ा, किशमिश और मखाना है, और इसको 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ।
देखिए दोस्तों, मेरा सेवई बनकर रेडी है और अब इसमें इसको मैं उतार लेती हूँ और पूरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी बड़ी बेटी पूरी बेल रही है और मेरा बेटा लोइया कर रहा है, कृषराज। और ये देखिए, पूरी बेल कर रख रही है। इधर मेरी छोटी बेटी भी लोइया कर रही है। देखिए दोस्तों, तेल मेरा गरम हो गया है और अब इसमें मैं पूरी तल रही हूँ। देखिए, और मेरे बच्चों लोइया कर रहे हैं और पूरी बेल रहे हैं, मैं इधर पूरी तल ले रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा पूरी कितना अच्छा ब्राउन कलर का हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ, दूसरे पूरी तलने के लिए डाल देती हूँ। देखिए, दूसरे पूरी तलने के लिए मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में, इसको निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा पूरी भी मैं तल ली हूँ। ऐसे ही सारे पूरी मैं तल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, सेवई पूरी और सब्जी आलू दम मैं बना ली हूँ और मेरे बच्चे लोग खा रहे हैं। ये सेवई है, पूरी, सब्जी। इधर मेरी बड़ी बेटी खा रही है और ये मेरी छोटी बेटी खा रही है और उधर मेरा बेटा खा रहा है। इधर मेरे बेटे के पापा खा रहे हैं। आज क्रिसमस डे पर हम लोग आज सेवई पूरी और आलू दम बनाए हैं। और अगर मेरे तरीके से आलू दम सेवई पूरी अच्छा लगा हो, मैं बनाई हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो, तुम बाय बोल दो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।